92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शबनम गुप्ता की लिखी कहानी नया रास्ता। छोटा सा पहाड़ी शहर पिथौरागढ़, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हवा में लहराते हुए चिनार के पेड़, शांत वातावरण और शहर में रहने वाले सीधे सादे लोग। बिल्कुल किस्से कहानियों से निकला हुआ शहर लगता था। इस किताबी शहर की एक और सुरमई शाम थी। वो पेड़ों में चिड़ियाओं का शोर था, मानो कह रही हो कि दिन ढल चुका है, अब उड़ान का रुख घर की ओर करो और जल्दी जल्दी घर चलो। एक चरवाहा पगडंडी पर से बकरियों को हांकता हुआ ले जा रहा था। धीरे धीरे सूरज छिपता जा रहा था और चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा था। पहाड़ों में दिन जल्दी ही ढल जाता है, तारे सूरज के जाने का इंतजार नहीं करते, अपने नन्हे नन्हे पैरों से चल के पूरे आसमान को ढक देते हैं। वादी में अंधेरे के साथ साथ कोहरा भी छाने लगा था। कहीं कहीं घरों में लाइट जलने लगी थी और अंधेरे में से झांकती हुई हल्की हल्की टिमटिमाती हुई लाइट जुगनुओं जैसी लग रही थी। बाहर जितना सन्नाटा था, रेवती के मन के अंदर उतना ही शोर था। तेज कदमों से चहलकदमी करती हुई वो बार बार अपने घर के बाहर बागीचे में आके बैठ जाती, फिर उठ के घर के अंदर की लॉबी में चलने लगती। बहुत देर हो गई आज कपिल को आने में, यही ख्याल उसको परेशान किए जा रहा था। रोज तो घड़ी की सुई 5:30 बजाती भी नहीं है और कपिल की मोटरसाइकिल की आवाज आ जाती है, पर आज तो 7:30 बज गए। क्या हुआ होगा और अपना फोन क्यों बंद किया हुआ है? यही सोच सोच के रेवती परेशान हो रही थी। ऑफिस का फोन भी कोई नहीं उठा रहा था, ऑफिस बंद जो हो गया होगा। फिर एक बार अंदर आके फोन के पास बैठ गई रेवती। मैगजीन के पन्ने अधमने मन से पलटने लगी, पर आज कुछ पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा था। अचानक ही फोन की घंटी बजी। रेवती ने तुरंत फोन उठा के कहा, कपिल इतनी देर कहां लगा दी? पर दूसरी ओर मां की आवाज थी। रेवती, क्या हुआ, कपिल अभी तक घर नहीं आया क्या? मुंबई से मां का फोन था। नहीं आई, आ जाएंगे, रेवती ने अपनी मां से तमिल में जवाब दिया। मां की आवाज में प्यार के साथ चिंता भी थी। फोन किया क्या, तुम अभी तक अकेली बैठी हो? उनके प्यार ने मानो रेवती के सारे डर, सारे शक शुभ एक शीतल हवा के झोंके से उड़ा दिए। आ जाएंगे आई, आप और अप्पा कैसे हो, आपकी सेहत तो ठीक है ना? मां के साथ बहुत देर तक इधर उधर की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की बातें करती रही। एक नजर घड़ी पे और कान उस जानी पहचानी मोटरसाइकिल की आवाजें सुनने को आकुल। बातों में मन ही नहीं लग रहा था। जाने क्या मन में आया कि रेवती बोली, आई लव यू आई, अप्पा को भी बहुत प्यार करती हूं, आपके हाथ का पायसम खाने का बहुत मन कर रहा है। आई रेवती की बात सुनके कुछ सोचने लगी। आज रेवती कुछ खोई खोई सी लग रही थी, न जाने क्या बात है। रेवती, कुछ दिनों के लिए घर आ जा, तुझे देखे हुए बहुत दिन हो गए, मैं और अप्पा तुझे बहुत याद करते हैं। आऊंगी आई, रेवती का गला भराया, जल्दी ही आऊंगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी नया रास्ता। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रेवती अकेली बैठकर अपने पति कपिल के ऑफिस से आने का इंतजार कर रही है। माँ का फोन आता है तो रेवती भावुक होकर कहती है कि उसको दोनों की याद आ रही है और वो जल्दी ही उनसे मिलने आएगी। अब आगे। अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी रेवती। आकर्षक व्यक्तित्व, मीठी बोली, लंबे काले बाल,
बोलती तो लगता था जैसे फूल झड़ रहे हों। आंखें नहीं हटती थी उसके चेहरे से, माता पिता के नाज और लाड से पली। हर तमिल लड़की की तरह बचपन से ही शास्त्रीय संगीत और नृत्य में पारंगत। अप्पा सरकारी अफसर थे और आई गृहिणी, और रेवती उनका पूरा संसार थी। उसकी मुस्कान के लिए हर ख्वाहिश पूरी करते थे, उसकी आंखों में आंसू आने के पहले ही दोनों उसको गले लगा लेते थे। प्यार से जब रेवती पीछे से आके आई के गले में अपनी बाहें डाल देती तो आई को लगता जैसे उसको संसार की सबसे बेशकीमती चीज मिल गई हो। रेवती की सहेलियां अक्सर छेड़ती थी कि उसको ना सुनने की तो आदत ही नहीं है, अगर उसको शादी के बाद किसी की बात पे ना सुनना पड़ा तो वो रो रो के अधमरी हो जाएगी। सच कभी मना भी नहीं किया था किसी बात पे आई और अप्पा ने, रेवती ने सोचा। बचपन जैसे परी कथाओं सा कब निकल गया पता ही नहीं चला, फिर कॉलेज की पढ़ाई और उसके बाद शादी की बातें। घड़ी में 8 बार घंटे बजने लगे तो उसका ध्यान टूटा, अतीत से निकलकर वर्तमान में आई, और जैसे ही फोन की ओर देखा तो अचानक वो बजने लगा। कांपते हाथों से उसने उठाया। रेवती, राहुल की आवाज थी। हाँ राहुल, उसका दिल उछल के जैसे उसके मुंह में आ गया। राहुल कपिल के दफ्तर में काम करता था, अच्छा दोस्त था उसका। रेवती, आज कपिल को थोड़ा देर लग जाएगी, फैक्ट्री में आज इंस्पेक्शन है, सब टॉप मैनेजमेंट दोपहर से फैक्ट्री गए हुए हैं, हो सकता है कपिल का फोन भी ना मिले। हाँ, रेवती ने एक ठंडी सांस ली और मुस्कुरा के फोन की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे घना कोहरा छंट गया हो और हल्की हल्की धूप निकल आई हो। बेकार इतना घबरा जाती हूँ पता नहीं क्यों, रेवती सोच रही थी। शायद हमेशा मुंबई की भीड़ भाड़ में लोगों के शोर में रहने की आदत हो गई थी। यहां इस छोटे से शहर में एक खूबसूरत सी पहाड़ी पर बने हुए घर में रेवती खुश तो थी, पर कभी कभी इतनी शांति से उसका दिल घबरा जाता था। न यहां उसकी कोई खास सहेली थी, न अकेलापन बांटने के लिए परिवार। 4 साल हो गए थे इसी शांत वातावरण में रहते। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही अप्पा ने अपनी पसंद के परिवार के होनहार लड़के कपिल से रेवती की शादी तय कर दी थी। रेवती को कपिल पहली ही नजर में बहुत अच्छा लग गया था। इंजीनियरिंग पढ़ के वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में एक बहुत अच्छे पद पर था। देखने में भला, स्वभाव से सीधा, और रेवती को तो देखते ही उस पर लट्टू हो गया था। सहेलियों का डर यूं ही बेबुनियाद निकला था। कपिल उससे इतना प्यार करता था कि वो भी उसको किसी भी बात के लिए ना नहीं बोलना चाहता था। कपिल के साथ जीते हुए रेवती को यूं लगता था कि जिंदगी मुकम्मल रास्ते पे चली जा रही हो, लेकिन अभी जिंदगी के इम्तिहान बाकी थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677-505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी नया रास्ता। इस कहानी में अब तक आपने सुना, ऑफिस से कपिल के दोस्त राहुल का फोन आता है कि आज कपिल इंस्पेक्शन के लिए फैक्ट्री गया हुआ है और उसको आने में देर हो जाएगी। घबराई हुई रेवती की सांस में सांस आती है। अब आगे, शादी के बाद में पिथौरागढ़ में पोस्टिंग हो गई और कपिल रेवती के साथ यहीं आके बस गया था। कंपनी का घर बहुत सुंदर था और रोज सुबह अपने बागीचे में रेवती के साथ बैठ के चाय पीते हुए, आसपास की हरियाली और खूबसूरती निहारते हुए कपिल अपनी किस्मत पे रश्क करता था। इतनी सुंदर और संतुष्ट थी रेवती, कभी कोई लड़ाई नहीं की, कभी भी किसी चीज की मांग नहीं की। उसको याद ही नहीं था कि उसने आखिरी बार उससे साड़ी या पैसे कब मांगे थे। दूसरी बीवियों की तरह नहीं थी रेवती, प्यार और सादगी का दूसरा नाम थी रेवती। जिंदगी में बहार आ गई थी जैसे शादी के बाद। सर्दियों में गिरती हुई बर्फ और गर्मियों में ऊंचे पहाड़ों पर पिघलती हुई बर्फ, कपिल को रेवती के साथ हर मौसम हर नजारा खूबसूरत लगता था। कपिल के सहकर्मियों के बीच भी उसकी और रेवती की बहुत इज्जत थी, सब उनकी मिसाल देते थे। कपिल कभी कहीं घूमने की बात भी करता तो रेवती फिजूल खर्ची का वास्ता देके मना कर देती थी। दोनों के स्वभाव में ऐसा सामंजस्य था कि एक का बोल दूसरे के मुंह में रहता था। एक बार फिर अतीत के पन्नों से निकलकर रेवती अपने वर्तमान में आई।
चारों तरफ गहरी खामोशी थी। बाहर से झिंगुर की आवाजें आ रही थीं। टीवी चलाकर रेवती ने अपना पसंदीदा प्रोग्राम लगाया, एक बड़ी अंगड़ाई लेके उठी और अपने ड्राइंग रूम को निहारते हुए रसोई की तरफ अपना खाना लेने के लिए बढ़ी और बस वहीं खड़ी रह गई। रसोई से ऊंची ऊंची आग की लपटें निकल रही थीं। लकड़ी के घर में आग तुरंत ही दूसरे कमरों में फैल गई थी। कमरा दर कमरा, दालान, बाहर का गैराज, सब कुछ पल भर में जल के तहस नहस हो गए। जब तक कपिल को खबर मिली और वो घर पहुंचा, सब कुछ जल के राख हो चुका था। उसका घर संसार, उसके सपने, उसका प्यार, उसकी खूबसूरत बीवी, सब कुछ उस आग की आहुति चढ़ चुका था। बच्चे की तरह विलाप करते हुए कपिल वहीं घास में गिर गया था। कपिल के दोस्तों ने बहुत मुश्किल से संभाला उसे। हादसा हुआ था, पुलिस केस तो होना ही था। पुलिस अपनी तहकीकात में लग गई। ये तो जल्दी ही साबित हो गया कि आग गैस की पाइप में लीकेज से लगी थी और इतनी जल्दी फैली थी कि कुछ भी नहीं बचा था। आसपास कोई घर भी नहीं था। अगर रेवती ने मदद के लिए आवाज भी दी होगी तो दूर दूर तक कोई सुनने वाला नहीं था। घर का सारा सामान राख हो गया था। रेवती भी बुरी तरह से जल गई थी। उसके शव की शिनाख्त उसकी पाजेब से हुई थी। छोटे से शहर में हर कोई उसको अच्छी तरह से जानता था। पुलिस ने कुछ समय कपिल पे शक भी किया, उसकी तहकीकात भी हुई, पर सभी जानते थे कि उनका दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाल था। आग लगने के समय कपिल 100 किलोमीटर दूर फैक्ट्री में था। न उसकी कोई बीमा पॉलिसी थी, न किसी और लड़की के साथ संबंध। बीवी को मारने की कोई वजह नहीं थी और शोकाकुल कपिल का दुख देखा ही न जाता था। पुलिस ने औपचारिक पूछताछ करके फाइल बंद कर दी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर यह नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677-505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी नया रास्ता। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रेवती घर में लगी आग के हादसे का शिकार हो जाती है। जब तक कपिल वापस घर पहुंचता है, सब जल के राख हो चुका होता है। पुलिस तहकीकात करती है, पर रेवती की मौत हादसा ही साबित होती है। अब आगे। मुंबई से रेवती के आई और अप्पा आए, दोनों ही टूट के बिखर गए थे। अपनी इकलौती संतान की अकाल मृत्यु का गम जानलेवा होता है। रेवती उनकी जान भी थी और जीने की वजह भी। उनका शोक, उनके आंसू परायों को भी रुला देते थे। दोस्त और पड़ोसी आई अप्पा से रेवती की इतनी तारीफें करते कि सुनते सुनते ही उनकी आंखें भर आती थी। कपिल इस दुख से बिल्कुल टूट गया था। उसने मुंबई तबादले की अर्जी लगा दी। पिथौरागढ़ में रेवती के बिना जीने की उसकी हिम्मत नहीं थी और अब आई और अप्पा भी उसी की जिम्मेदारी थे। दिन बीतने लगे। जिंदगी धीरे धीरे फिर से अपने पुराने ढर्रे पर आ गई। कपिल और रेवती अब बस किस्से कहानी की बातें बनकर रह गए थे। बातों का क्या है, बातों का ताना बाना बुनने लगो तो सिरा हाथ ही नहीं आता। कुछ लोग कहते रेवती अभी भी उस जले हुए कॉटेज के आसपास दिखती है। कुछ कहते कपिल का किसी लड़की से चक्कर था, इसलिए उसने रेवती को मार डाला। कुछ कहते कपिल की शादी हो गई है। पिथौरागढ़ के लोग इस हादसे को एक रहस्य बना चुके थे। चाय के स्टॉल पे बैठ के गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बात घूम फिर के रेवती की असमय मौत पे ही आ जाती थी। सर्दियों के कोहरे के साथ जैसे ही उस हादसे के दिन करीब आते, लोगों को अपने घर के आसपास घूमती हुई रेवती दिख जाती थी। रेवती की मौत के बाद आई और अप्पा मुंबई कपिल के साथ वापस आ गए थे, पर उनका जीवन जैसे उसी दिन उस पल पे आके ठहर गया था। आई बार बार रेवती से की हुई उस आखिरी बात को याद करके रोने लगती। आई लव यू आई, अप्पा को भी बहुत प्यार करती हूं, आपके हाथ का पायसम खाने का बहुत मन कर रहा है।
न जाने क्या था रेवती के मन में। क्या उसको अपनी आने वाली मृत्यु का अंदेशा हो गया था? क्या वो जानती थी कि अपने माता पिता से कही हुई ये उसकी आखिरी बात होगी? क्या उसने मदद के लिए किसी को पुकारा होगा? क्या उसको बहुत तकलीफ हुई होगी? बस यही सब सोच सोच के आई और अप्पा सारा दिन रोते रहते। कपिल रोज ऑफिस से वापस जाते समय उनसे मिलके जाता, उनके पास बैठता, उनकी पसंद की कॉफी बना के उनको पिलाता, उनसे बातें करता, पर वो दोनों मानो पत्थर के बुत बन गए थे। न बात करते, न मुस्कुराते, न उसको फिर से आने को कहते। बहुत परेशान था कपिल। क्या करे, कैसे उनको संभाले, क्या करे जो उनके सुलगते हुए दिलों को सब्र मिले, बस यही सोचता रहता था। उन दिनों ऑफिस के काम से कपिल को दिल्ली जाना पड़ा। काम के चक्कर में 10 दिन रुकना पड़ा था। वहां से रोज फोन पे आई और अप्पा से बात करता था, पर मन में एक अजीब सी आशंका बनी रही। मुंबई वापस पहुंचते ही एयरपोर्ट से सीधा आई और अप्पा से मिलने गया तो वहां का नजारा देख के हक्का बक्का रह गया। अप्पा सोफे पे चुपचाप बैठे थे, आई बेहोशी की हालत में बिस्तर पे लेटी हाथ में रेवती की तस्वीर लिए कुछ बड़बड़ा रही थी। तुरंत डॉक्टर को फोन करके बुलाया और आई को इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती कराया। पता चला कि 2 दिन से दोनों आई और अप्पा ने कुछ नहीं खाया था। कपिल की आंखों में आंसू आ गए, पर साथ ही आई एक दृढ़ निश्चय की झलक। उसने अपने माता पिता को फोन करके वहीं अस्पताल बुलाया और उनके सामने अपना फैसला सुना दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी नया रास्ता। इस कहानी में अब तक आपने सुना कपिल अपनी पत्नी रेवती की मृत्यु के बाद मुंबई तबादला करा लेता है और रोज आई और अप्पा यानी रेवती के माता पिता से मिलने जाता है, लेकिन वो इस दुख से बाहर ही नहीं आ पाते। 10 दिन के टूर के बाद जब कपिल उनसे मिलने जाता है तो आई बेसुध और अप्पा बीमार होते हैं। वो आई को अस्पताल में भर्ती करा देता है। अब आगे अस्पताल से छुट्टी मिलने पर कपिल आई और अप्पा को अपने साथ अपने घर ले गया। उनके बार बार मना करने पर कपिल के माता पिता ने बहुत जिद और मनोहार करके आखिरकार उन्हें मना ही लिया। आई की देखरेख अच्छे ढंग से होने लगी। अप्पा और कपिल के पिताजी सुबह समुद्र किनारे घूम के आते, फिर पेपर पढ़ते, चाय पीते और ताजा खबरों पर गर्मा गर्म बहस करते। कपिल उनके साथ बैठ के नाश्ता करता और उनको अपने ऑफिस की बातें बताता। कपिल की माँ आई से पूछ के उनकी पसंद का नाश्ता और खाना बनवाती और फिर बहुत प्यार और अपनेपन से उनको खिलाती। धीरे धीरे आई की सेहत संभलने लगी, अप्पा ठीक से खाने लगे और दोनों कभी कभार मुस्कुराने लगे। फिर शुरू हुई उनकी वापस अपने घर जाने की बात। पहले तो कपिल बहाने बनाता रहा, आज नहीं कल करता रहा। न जाने क्यों उसका मन नहीं मान रहा था कि उनको वापस उसी घर में जाने दे जहां रेवती की यादें हर कमरे की हर ईंट हर पत्थर में बसी थी। और फिर उसे भी तो अच्छा लग रहा था उनका यहां रहना। ऐसा लगता था जैसे रेवती आसपास ही है, जैसे वो जहां भी है उनकी मुस्कुराहटों में मुस्कुरा रही है। पर जो उसका मन चाहता था क्या वो हो सकता था? समाज के नियम, रिश्तेदारों के कानून इसकी इजाजत देंगे क्या? उसको भरोसा था कि उसके माता पिता उसका पूरा साथ देंगे, पर पहले उनको भी तो मनाना पड़ेगा। आखिर कपिल ने सदियों से चले आ रहे रीति रिवाजों की हवा का रुख मोड़ने की ठान ली थी, पर नई सोच अपनाने में भी तो वक्त लगता है। उसने अपने माता पिता से जब अपने मन की बात कही तो दोनों हैरान रह गए। पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा, पर मां के चेहरे पर प्रतिरोध था। कपिल उनकी इकलौती संतान था, वो उसको हर हाल में खुश देखना चाहते थे, पर उसने आज ये क्या कह दिया था? कैसा हो सकता था? और उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, ये समाज, ये क्या कहेंगे सब? क्या सोचेंगे उनके बारे में ये सब? इसी असमंजस में कुछ दिन और निकल गए।
और वो जितना इस बारे में सोचते उनको उतना ही कपिल का फैसला ठीक लगता। और फिर वो दिन भी आ गया जब कपिल ने अपने माता पिता को मना लिया। पहले तो आई और अप्पा ने साफ साफ मना कर दिया, पर वो तीनों मिलके उनको बहुत प्यार से मनाते रहे। अगर रेवती की जगह कपिल को कुछ हो गया होता तो क्या रेवती हमको छोड़ देती? क्या वो हमारा ध्यान नहीं रखती? क्या आप हमारा ध्यान नहीं रखते? कपिल की माँ आई से पूछती। समाज क्या कहेगा? अप्पा पूछते। अप्पा, समाज इंसानियत और रिश्तों से बढ़ के नहीं है, कपिल जवाब देता। क्या आपको हम पे भरोसा नहीं है कि हम आपकी जिंदगी भर इज्जत करेंगे? जिस दिन आई और अप्पा का घर किराए पे चढ़वाकर उनका सारा सामान अपने साथ लेके घर में आया, उस दिन कपिल बहुत खुश था। एक अजीब सा हल्कापन था उसके दिल में। दिन गुजरने लगे। कपिल के माता पिता आई और अप्पा की बड़े भाई और भाभी की तरह इज्जत करते थे, और धीरे धीरे उनके और कपिल के प्यार ने उनका मन ऐसे जीत लिया था कि अब वो उनके बिना कहीं और रहने की सोच भी नहीं सकते थे। साथ में खाना, पीना, घूमना, रहना, कपिल को लगता था कि वो इतना खुश नसीब है कि उसको एक नहीं दो दो माता पिता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर यह नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी नया रास्ता। इस कहानी में अब तक आपने सुना कपिल अपने माता पिता की सम्मति से आई और अप्पा यानी अपनी दिवंगत पत्नी रेवती के माता पिता को अपने साथ अपने घर में रहने पे मना लेता है। उनका घर किराए पे चढ़वा कर उनका सामान अपने घर ले आता है और एक अजीब सी खुशी महसूस करता है। अब आगे। रेवती की 5वीं पुण्यतिथि थी। उसकी बड़ी सी माला चढ़ी हुई तस्वीर के सामने आई सुबक सुबक के रो रही थी। आंसुओं की झड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अप्पा भी उदास चुपचाप बैठे थे। आज आई के आंसू रोकने के लिए उनके पास सांत्वना के कोई शब्द नहीं थे। पंडित के साथ हवन करा के कपिल काम पे चला गया था। अचानक रेवती की तस्वीर पे एक झलक आई और फिर बिल्कुल उसी की तरह मालती ने आई के गले में बाहें डाल के कहा, रो रही थी ना आई, बताऊं कपिल को? आई मालती के गले लग के सुबक सुबक के रोने लगी। रेवती की पहली पुण्यतिथि पे आई ने कपिल के सामने अपनी बहन की बेटी मालती के साथ शादी का प्रस्ताव रखा था। मालती रेवती से 3 साल छोटी थी और पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। समझदार, सुशील और चंचल थी मालती। आई जानती थी कि अगर वो ये प्रस्ताव रखेंगी तो मालती कभी भी मना नहीं करेगी। कपिल की आंखों में आंसू भर आए तो आई ने कहा, रेवती भी तब तक खुश नहीं रह पाएगी जब तक आपका घर नहीं बसेगा। मालती को मैं बचपन से जानती हूँ। वो आपको वही प्यार और सम्मान देगी जिसके आप हकदार हो। कपिल के साथ मालती की शादी हो गई। कपिल ने आई की खुशी के लिए हाँ की थी, पर मालती के साथ वो भी खुश था। उसके चेहरे पे मुस्कान देख के आई और अप्पा भी उतने ही खुश होते जितने कपिल के माता पिता। मालती बहुत अच्छी लड़की थी। उसने जल्दी ही सबका दिल जीत लिया और उसकी चंचल बातों से सबका दिल खुश रहता था। कपिल रेवती को भूला तो नहीं था, पर धीरे धीरे वो भी मालती से प्यार करने लगा था। आई और अप्पा ये देख के खुश होते कि कपिल का घर एक बार फिर बस गया था। अब 4 साल की वैजयंती और 1.5 साल के समर के आने से उनका परिवार हरा भरा और खुशहाल दिखता था। समय बीत रहा था। 5 साल पलक झपकते ही बीत गए थे, पर जब भी वो अपने घर वापस जाने की बात करते तो सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे सदस्य तक सब उनको इस बात को भूल जाने को कहते और उनका हाथ पकड़ के उनको कहीं न जाने की कसम ले लेते। ये देख के कपिल दूर से मंद मंद मुस्कुराता और दिल में एक अजब सा सुकून महसूस करता। कंपनी का बड़ा सा 5 कमरे वाला घर था, न इस परिवार के दिल में जगह तंग थी न घर में। हर महीने कपिल उनके घर का किराया लाके उनके हाथ में रख देता था। आई और अप्पा को अपने जीवन से, अपने भगवान से अब कोई शिकायत नहीं थी। पर कुछ दिन और तारीख मायूस कर देने वाले होते हैं। आज के दिन न जाने क्यों आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। रेवती की सारी यादें हरी हो जाती थीं।
कपिल के माता पिता, मालती, अप्पा सब गुमसुम बैठ के आई के झुके हुए कंधों और आंसू भरे चेहरे को देख के और भी उदास हो रहे थे। तभी दूसरे कमरे से बिखरे बाल और नींद भरी आंखें लिए नन्ही वैजयंती आई के पास आके उनके गले में अपनी बाहों का हार डाल के बोली, आई आपके हाथ का पायसम खाने का बहुत मन कर रहा है। अचानक ही मौसम बदल गया, आंसुओं के पीछे एक मीठी सी मुस्कान निकल आई। लगा जैसे रेवती वापस आ गई हो, उसको गले से लगा के प्यार किया और पल्लू से आंसू पोंछते हुए आई फुर्ती से उठी, अभी बना के लाती हूं। बस इतनी सी थी ये कहानी।